लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से हादसे के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 2014 के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 2000 करोड़ का यह पटाखा कारोबार होता है पूरे देश में। यह वैध की स्थिति है, रजिस्टर्ड की स्थिति है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अस्पतालों पर हमारी नजर है, पास के जो बड़े अस्पताल हैं वहां हमारे सहयोगी तैनात हैं, उनके जरिए पल पल का अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, सीएम खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने अपने जो तमाम दौरे, तमाम व्यस्तताएं आज की थी वो कैंसिल कर दी हैं। हरदा के विधायक और टिमरनी के भी विधायक मौके पर पहुंचे और नजर बनाए हुए हैं, यहां घटना स्थल पर वो मौजूद है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। प्रशांत, वहां पर क्या लगातार अभी भी डेड बॉडीज के आने का सिलसिला जारी है, घायलों के आने का सिलसिला जारी है, क्या जानकारी आपके पास, अभी कोई मूवमेंट? देखिए, अभी तक 3 एम्बुलेंस यहां पर पहुंच चुकी हैं, 2 एम्बुलेंस में एक एक मरीज आए थे, तीसरी एम्बुलेंस में 2 मरीज हरदा से आए हैं और उसमें 2 मरीज, कुल 4 मरीज अभी यहां तक आ चुके हैं। जैसा कि हमने कलेक्टर कौशलिन विक्रम सिंह से बात की थी, उन्होंने बताया कि 20 एम्बुलेंस वहां से निकली हैं और हो सकता है कि उनमें से कुछ एम्बुलेंस दूसरी जगह चली जाएं, लेकिन मैक्सिमम एम्बुलेंस भोपाल आएंगी। भोपाल में भोपाल के लिए पहुंचेंगी लगभग 8 से 10 एम्बुलेंस पहुंचेंगी भोपाल। हालांकि इंतजार हो रहा है, 1-1, 2-2 करके एम्बुलेंस आ रही है, इंतजार लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, व्यवस्थाएं लगातार यहां पर चाक चौबंद रखी गई हैं। पीछे तस्वीरें जरूर हम लगातार दिखा रहे हैं कि जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती है तुरंत पहले से मूवमेंट शुरू हो जाता है, अचानक से अलर्टनेस एकदम बढ़ जाती है। कुछ मिनट पहले ही अलर्टनेस बढ़ जाती है। लेकिन दूसरा पहलू आपको बता दें, इस पूरे मसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस हादसे पर सवाल उठाए हैं और 1-1 करोड़ रुपए मांग भी कर डाली है कि जो जिनकी मौत हुई है उन्हें, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। कांग्रेस ने इस तरह की मांग की है, सवाल भी उठाया कि आखिर किसके संरक्षण में, किस नेता के संरक्षण में ये जो फैक्ट्री थी यहां पर चल रही थी, चूंकि इसे लाइसेंस भी नहीं इसके पास था, रहवासी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी, आसपास के कई जो घर थे उनमें भी बारूद रखा हुआ था। स्वाभाविक है कि पुलिस से, प्रशासन से गलती तो हुई है, लेकिन गलती कहां हुई? दूसरा, इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह भी रहे कि एक्शन होगा, बख्शा नहीं जाएगा, जो भी इसके लिए दोषी है उन्हें चिन्हित किया जाएगा। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है, पहली जो कोशिश है, प्रायोरिटी है, वो यही है कि जल्द से जल्द जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। शैलेंद्र तस्वीरें दिखा भी रहे थे ग्राउंड जीरो से। स्वाभाविक है कि जब 2-3 मंजिला इमारत पूरी जमींदोज हो गई तो बहुत सारे लोग उसके अंदर दबे जरूर होंगे, धीरे धीरे वो आंकड़ा भी खुलेगा, कैजुअलिटी का आंकड़ा भी खुलेगा, लेकिन यहां पर तैयारियां पूरी हैं अस्पताल में। हमीदिया चल रहा था तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वहां पर क्या मूवमेंट? शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही हो तो क्या अपडेट है इस वक्त का? अभी यहां पर लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, होमगार्ड जवान वो लगे हुए, लेकिन हम आपको एक एक्सक्लूसिव वो तस्वीर दिखाते। देखिए, ये गोडाउन जो थे, 4 से 5 गोडाउन थे, ये आपको जो आखिरी गोडाउन नजर आ रहा है, जो नीले और गुलाबी रंग की जो आपको पैकेट्स बड़ी पन्नी, एक मंजिल पूरी नजर आ रही है, 3 मंजिल इमारत, ये पूरे पटाखे भरे हुए हैं। ये गनीमत ही कि आग यहां पर रुक गई, थोड़ा सा और आगे अगर आग जाती तो यह और बड़ा हादसा होता। ये पूरी फैक्ट्री पटाखे भरे हुए हैं, आप देखिए किस तरीके से बड़े बंडल पैकेट्स फुलझड़ी के, रस्सी बम के नजर आ रहे हैं और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भी विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। यह वो 2 इमारत है जो बची, और सबसे चौंकाने वाली बात है कि देखिए वो पटाखा फैक्ट्री का गोडाउन है और ये उससे लगा मकान है, मतलब रहवासी और पटाखा फैक्ट्री, जो रहवासी है उनके घर भी यहीं थे और वहीं पटाखा फैक्ट्री थी। किस कदर लापरवाही है, कितना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा ये उदाहरण है कि इतनी रिहायशी इलाके में इतने बड़े पैमाने पर जहां विस्फोटक सामग्री थी, पटाखे रखे थे, गोडाउन थे, वहां पर लोगों
को रहने भी दिया जा रहा था, यानी पटाखा फैक्ट्री यहाँ से बाहर। हम बात करते हैं जो यहाँ पर जिनका घर उड़ गया, पूरी गृहस्थी उजड़ गई है। क्या नाम है आपका? दुर्गा चौहान। आपका मकान था यहाँ पर, क्या हुआ, कैसे पता लगा हादसा हुआ? हमारा मकान ये सामने, ये मकान हमारा है और है ना, ये वाले पीछे वाले फैक्ट्री में आग लगी, ये कभी भी गिर सकता है। देखिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीमें भी हैं जो लगातार यहाँ पर लोगों को, क्योंकि ये बिल्डिंग भी जर्जर हो चुकी है, हमें भी यहाँ से एसडीआरएफ की टीम ने हटने के लिए कहा है कि ये बिल्डिंग भी कभी भी गिर सकती है। एसडीआरएफ एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर हमें भी यहाँ से दूर करती हुई न्यूज 18 की टीम को भी कि आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग जर्जर है और ये कभी भी गिर सकती है, आशंका एसडीआरएफ ने भी जताई है। इस कारण लोगों को देखिए यहाँ पर भी एक्स्ट्रा बारूद भरा हुआ था, तो यहाँ पर एसडीआरएफ ने पूरी बिल्डिंग पर भी पानी डलवाया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाई हैं। आपको एक कार नजर आ रही होगी जो टाटा सुमो कार है, यहाँ पर देखिए तो वो कार पूरी जल चुकी है। आपको देखिए को टायर तक जल चुके हैं, वो दृश्य भी नजर आ रहा होगा कि कितनी भीषण विस्फोटक की आग की लपटें थी जिसने यहाँ आसपास किसी भी इमारत को नहीं छोड़ा। अब एसडीआरएफ की टीम ने कमान अपने हाथ में ले लिए, क्योंकि कई इमारतें जर्जर हो चुकी है और उनके गिरने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस कारण सबको अलर्ट किया गया है, दूर किया जा रहा है, जो स्थानीय रहवासी है उनको भी कि आप दूर हो जाइए, अभी कोई भी इमारत या गिर सकती है यहाँ पर, क्योंकि इतनी सामग्री है, विस्फोटक है, उस विस्फोटक पर भी अभी पानी डलवाया जा रहा है ताकि कोई और आगे घटना ना बढ़ सके। अब हम आपको उस ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाएंगे जो कि फैक्ट्री के अलग अलग गोडाउन थे, आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरी तरीके से एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लोगों को दूर करती हुई, बड़ी संख्या में लोग यहाँ मदद के लिए जुट गए थे और यहाँ पर स्थानीय रहवासी जो हरदा के रहने वाले हैं, टिमरनी के रहने वाले, वो सब आ चुके थे ताकि कैसे भी लोगों को बचा। देखिए ये आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक बड़ी आइसर और ट्रक, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नजर आ रही होगी, जो बड़े ट्रक थे आइसर, जो यहाँ पर माल गोडाउन में आता था, वो ट्रक देखिए पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं, पूरी तरीके से विस्फोट में पूरी तरीके से वो भी उड़ चुके हैं, जल चुके हैं, उनकी कुछ अस्थि पंजर या कह लें कि कुछ पार्ट्स ही आपको नजर आ रहे हैं। देखिए ये पूरी इमारत यहाँ पर ध्वस्त नजर आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी जो बिल्कुल पटाखा फैक्ट्री से हम आपको दिखाते हैं। और यह देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दमकलों की आवाज लगातार आपको सुनाई दे रही होगी, ये सब वाहन यहां पर आ रहे हैं और रेस्क्यू के लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर और घटना ना हो और आग ना लगे। तो रेस्क्यू की टीमें, फायर ब्रिगेड की जो दमकले हैं, फायर ब्रिगेड अमला मुस्तैदी के साथ जुटा है, एसडीआरएफ जुटी हुई है, सब बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, प्रशासनिक अमला अब सक्रिय हो चुका है और यहाँ पर अब स्थानीय लोगों को भी खदेड़ा जा रहा है, उन्हें बाहर किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए आप फिर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी यहाँ पर कुछ विस्फोटक सामग्री की, जब यहाँ पर पानी और डाला जा रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, तो उस बीच वो आवाज़ें भी सुनाई दे रही होगी। ये आपको देखिए आइसर गाड़ी भी दिखाई दे रही होगी जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से जल चुकी है, उखड़ चुकी है। बिल्कुल शैलेंद्र, तस्वीर हम देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं और जो अब तक की जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया है कि 7 जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया है और 60 से भी ज्यादा मकान जो यहाँ पर थे वो जल चुके हैं, गिर चुके हैं आधे से ज्यादा मकान। और सबसे बड़ी बात, जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ वो खुद ही 3 मंजिला था जो कि धराशायी हो चुका है पूरे तरीके से। अभी भी मलबे के नीचे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दबे हुए हैं, जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको भी निकालने का प्रयास जारी है। आप दिखा भी रहे थे वहां पर अभी भी उस ऊनी बम जिसे हम कहते हैं उसको बनाने का काम यहाँ पर चल रहा था। वैसे बॉम्ब्स भी यहाँ पर नीचे मिले हैं जिन्हें अक्सर ब्लास्ट जब किया जाता है तो काफी तेज आवाज और
हम कहते हैं कि नॉर्मल एक बॉम्ब भी जब ब्लास्ट होता है तो भी वो छितर बितर हो जाता है, ऐसे में यहाँ पर भारी मात्रा में बारूद जब ब्लास्ट हुए तो पूरा जो मंजर है देख ही सकते हैं हम। लेकिन वहां जब आपने बात की विधायक से, जो कि टिमरनी के भी विधायक अभिजीत वहां पर आए हुए थे, इसके अलावा हरदा के भी विधायक वहां पर आए हुए थे, उन्हें 2 सदस्यीय कमेटी का मेंबर बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से, उनका क्या कहना था इस चीज पर? देखिए बिल्कुल, जब हमने विधायक से बात की तो जो सदस्य थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ जिला प्रशासन की गलती है, शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही है कि इतना बड़ा हादसा होने की नौबत क्यों आई। अगर ये फैक्ट्री को समय रहते, क्योंकि रहवासी इलाका था, बड़ी संख्या में आसपास घर बन चुके थे, तो इन फैक्ट्रियों को क्यों ना बाहर किया गया। यह 20 साल पहले गांव में फैक्ट्री होती थी, लेकिन शहर का विस्तार होता गया और धीरे धीरे ये फैक्ट्री शहर की सीमा में आ गई। जब ये नगर निगम सीमा में आ गई तो इसे क्यों नहीं हटाया गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया कि इस फैक्ट्री को या बंद कर दिया जाता, अनुमति नहीं दी जाती, इसे कहीं बाहर कर दिया जाता। और बड़ी बात है कि करीब 2 एकड़ जमीन पर ये फैक्ट्री फैली हुई थी, इसका कारोबार था। तो आप समझे कि इतना बड़ा जखीरा 50 से 60 टन का बारूद जहां पर इकट्ठा हो वो जगह कितनी संवेदनशील है। लेकिन नाकामी आप देखिए कि प्रशासन की कि मंजूरी भी दी जाती है ना, फैक्ट्री हटाई जाती है ना, रहवासियों को वहां से कहीं और भेजा जाता है। रहवासी बिल्कुल पटाखा फैक्ट्री से लगी हुई दीवार सटकर ही वहीं रह रहे थे, वहीं पर गौशाला थी, कई पशु जल गए। तो बड़ा ही संवेदनशील मामला है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो फैक्ट्री मालिक है ना, अभी तक वो गिरफ्तार किया गया है ना, उनके परिजनों का कुछ पता है। तो लापरवाही की एक बड़ी इम्तिहा है कि इतनी सारी जाने चली गई। हम सहयोगी से भी कहेंगे कि वो मलबा आप देखिए कितना बड़ा विशाल मलबा, बड़े बड़े वाहन जो हैं उनके नीचे कितने लोग दबे हैं को बताना भी अभी मुश्किल है। कोई अधिकृत व्यक्ति ये नहीं बता रहा है कि आखिर फैक्ट्री में सुबह कितने लोग आते थे, कितने लोग उस दिन सुबह आज आए, कितने लोग उसमें से भागे, सब कुछ भी नहीं पता है। केवल अभी एक अंदाजन ये बताया जा रहा है कि करीब 50 लोग होंगे। लेकिन विधायक का तो यही कहना था कि लगभग 150 से ज्यादा ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करते थे, और वाकई में जब 3 मंजिला ये पूरी फैक्ट्री है तो इसमें 100 से ज्यादा लोग तो काम करते ही होंगे। जी देखिए बिल्कुल, करीब यहाँ पर 150 लोग सुबह की पाली में और दूसरी पारी में आते थे। तो बताया जा रहा है कि करीब 300 से 400 वर्कर से जो मजदूर हैं, गरीब मजदूर, वो यहाँ पर आते थे। सबसे दुखद है कि 8 से 10 साल के बच्चों को भी यहाँ पर फैक्ट्री में पटाखा बनाने के काम में लगाया हुआ गया था। तो वो बच्चे जो नाबालिग थे वो कितने थे, ऐसे बच्चे अनाधिकृत रूप से कितने आते थे। हम यहाँ पे और भी स्थानीय रहवासी हैं जो यहीं के रहने वाले, हम उनसे भी पूछते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे थोड़ी सी दूर पे रहते हैं। क्या हुआ था और आपको कितने लोग होंगे या क्या लगता है? आताहत तो काफी हुए हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हुए हैं। बता रहे छोटे छोटे बच्चे भी थे? बच्चे भी थे, महिलाएं भी थे। एवरेज कितने लोग काम करते थे पूछेगा जरा? कुछ निकले हैंगे, उनको इंजरी भी है, कुछ लोग निकले हैं पर जिनको भागने की, बाकी लोग नहीं निकल पाए। काफी क्वांटिटी में यहाँ पे बारूद था, शहर के मध्य में था, बहुत ज्यादा संख्या। संख्या कितने मजदूर आते होंगे एक बताइए आप? अब वैसे तो 2-2.5 साल से चल रही है फैक्ट्री शायद, कि 300 से ऊपर, और शहर के मध्य में इतना बारूद इतनी क्वांटिटी में। कितने साल से फैक्ट्री चल रही है? ये 10-15 साल से फैक्ट्री चल रही है। 10-15 साल से थी तो अभी कुछ भागते हुए एक भी नजर नहीं आया आपको? नहीं, भागते हुए कुछ नजर। मालिक के बारे में पूछिएगा, बाकी कुछ जलते हुए भी दृश्य जलते हुए दिखे? ये मालिक राजू अग्रवाल बहुत दबंग है, यहाँ बताते हैं उसकी यहाँ बहुत पकड़ है प्रशासन में, इसलिए सब यही मिली भगत में चल रहा है। और क्या, प्रशासन भी मिली भगत में। और क्या, राजू अग्रवाल बड़ा दबंग बताया जा रहा है, क्या इसी कारण थी कि शहर? मालूम सर, ये नॉलेज। कभी कोई टीम जांच करने नहीं आती थी फैक्ट्री की? बहुत बार देखते रहते हैं। प्रशासन की कोई टीम या जांच करने आती थी क्या? नहीं सर, ये अपने नॉलेज में नहीं है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि आई नहीं कभी?
की अंदाजा ये अपने नॉलेज में नहीं है। देखिए ये इनका घर यहीं पर बिल्कुल सामने, वो खुद बता रहे कि हमें ही नहीं पता कि या प्रशासन की टीम भी कभी जांच के लिए आती थी या कभी इन्हें नजर भी नहीं आई। तो सवाल इतने सारे खड़े हो रहे हैं, बहुत बड़ी सवालों की एक फहरिस्त है कि रहवासी इलाके में फैक्ट्री चल रही थी, उसे मंजूरी किसने दी, अगर उसको अप्रूवल दिया तो किसने दिया, कौन सी ऐसी कमेटी थी, जिला प्रशासन था तो कलेक्टर ने किस आधार पर परमिशन दी, 2 साल पहले अगर कोई हादसा हो चुका था, लोग यहाँ कुछ मर चुके थे, उसके बाद भी प्रशासन नाकाम रहा, उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। मतलब यहाँ ऐसा लग रहा है कि गरीब मजदूरों की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पर बड़ा सवाल भी उन्होंने उठाया अभी स्थानीय रहवासी ने, हाँ। सब मिली भगत से चल रहा था, तो यह सवाल भी खड़े हो रहे कि आखिर मिली भगत कैसी, क्या किसी की जान का जोखिम में हो, इतना बड़ा जखीरा हो पटाखों का, इतनी बड़ी फैक्ट्री रहवासी इलाके में। बड़ी खबर आपको बता दे, मालिक अभी फरार है राजू अग्रवाल और भाई परेश की फैक्ट्री है ये, 2 साल पहले भी फैक्ट्री में आग लग चुकी थी लेकिन बावजूद इसके कोई सबक नहीं, हादसे में कई लोग काम करते फैक्ट्री में कई लोग काम करते थे और हादसे में कई लोग झुलस गए हैं और कई लोगों की मौत हो गई है, जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और अब एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, अब यहां पर मोर्चा संभाल लिया है एनडीआरएफ ने, भोपाल से एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, 30 सदस्यीय ये टीम है, तकरीबन 30 सदस्य इसमें है और अब एनडीआरएफ यहां पर आगे का काम करेगी, राहत और बचाव कार्य करेगी। न्यूज 18 की टीम पर आपने वो तस्वीरें भी देखी, शैलेंद्र जहां पर थे वहां पर शैलेंद्र ने बताया कि पटाखों का जखीरा, असलाह बारूद अभी भी इकट्ठा है, पटाखे इकट्ठे हैं। इसके बाद टीम के अधिकारी पहुंचे, एहतियातन उन्होंने सभी को वहां से हट जाने के लिए कहा है, आसपास के लोग भी यहां पर पहुंच गए थे जब शैलेंद्र जानकारी ले रहे थे, उन्हें हटा दिया गया है, यानी अब एनडीआरएफ अपनी तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। भोपाल से एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है बिल्कुल, और जो आसपास के घर हैं उनको भी खाली कराया जा रहा है, उनमें दरारें आ गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से ताकि इमारत गिरे ना और उसमें अगर कोई रहेगा तो जाहिर सी बात है और भी ज्यादा नुकसान होगा, इसीलिए अब लोगों को वहां से